हेलो व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं तो मैं प्रे करता हूँ गॉड से आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बहुत जाना पहचाना जगह है मेरे लिए। शायद आप में से मतलब बहुत सारे मेरे जो गोलाघाट के व्यूअर्स है वो क्वाइट ऑफन जाते रहते हैं, लेकिन है अब तक या ज़्यादा मालूम नहीं है। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है जिसका पहले नाम था जमुना पार्क, लेकिन अभी का जो नाम है वो है शंकर देव उद्यान। और पूरा पार्क रेनोवेट हो चुका है, पहले जैसा कुछ भी नहीं। मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिले वीडियो से या एंटरटेन हुए थोड़ी भी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं गोलाघाट के या आसाम के रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग लाता रहता हूँ, आपको मेरे वीडियो पे मजा आएगा। प्लीज तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आसामीस में लिखा हुआ है हमारे लोकल लैंग्वेज, जो आसाम का लैंग्वेज है, शंकरदेव उद्यान। ठीक है, तो डायरेक्ट जाते हैं अंदर, बने रहिए। पार्क से अंदर आते ही आपको एक सुंदर सा स्कल्पचर दिखेगा, क्या बोलेंगे इसको मुझे मालूम नहीं, यू टाइप का है, कुछ मीनिंग होगा शायद, ऐसे तो नहीं बना हुआ है। तो राइट में देखेंगे तो आपको यह सब दिखेगा, और लेफ्ट में आपको दिखेगा एक सड़क टाइप का। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पहले राइट, जो मतलब पूरा तो एक सर्कल टाइप का है ना, जो हमारे पानी का पॉन्ड है, तो उसके किनारे किनारे ऐसे सर्कल बनाया हुआ है। तो राइट से जाके आप लेफ्ट से घूम के आइए, आपको ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा देखने में। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, आइलैंड जो दिख रहा है आपको, और बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक प्लेग्राउंड है, तो उनका टाइम पास बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को खेलने के लिए वो भी वहाँ पर ले जा सकते हैं। 10 साल के नीचे बच्चों के लिए ही है सिर्फ, मतलब उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बन रहा है, अभी आगे आपको वीडियो में दिखाई देगा। तो गाइस फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं अभी मैं पार्क के अंदर हूँ, और बहुत ही खूबसूरत हो गया है, पहले जैसा था वैसा नहीं है, अभी बहुत खूबसूरत हो गया है। तो होप आपको अभी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और चैनल पे बने रहिए, अभी बहुत सारा कुछ दिखाना है। ठीक है आप लोगों को, तो पहले तो आपको मतलब पता होगा शायद इतना स्पेस नहीं था, अभी बहुत सारा स्पेस है आपको रहने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है, तो ये है रेस्टोरेंट जो बनने वाला है, शायद से बहुत ही जल्दी ओपनिंग होगा इसका, ऑलमोस्ट रेडी है, जब खुल जाएगा और भी मज़ा आएगा। देख सकते हैं पूरा व्यू, बहुत सुंदर हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। ये मेरा बैग वैग है वहाँ पे। यो गाइस, तो अभी मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लोकेशन है, यहाँ पे जो मेरे साथ दीदी आई थी उनका फ़ोटोशूट किया। अभी फ़ोटोशूट करने के बाद यहाँ पे दो तीन लड़कियाँ मिली, तो उनको भी बहुत मन था मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो उनको फ़ोटोशूट कर दिया मैंने। अभी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हो गया प्लेस, यहाँ पे आप लोग आके बैठ भी सकते हैं, बिंदास धूप ले सकते हैं, सर्दी के टाइम में तो बहुत मतलब बढ़िया प्लेस हो गया यहाँ पे। तो अभी मेरे पीछे जो मतलब दीदी के पीछे जो लड़कियाँ दिख रही हैं, उन लोगों का फ़ोटोशूट किया है, बहुत मतलब अच्छी लड़कियाँ थी, तो बहुत सुंदर भी थी, तो मैंने फ़ोटोशूट कर दिया उनका। तो अभी मैं टहलते टहलते पूरा पार्क का एक चक्कर लगाऊंगा, अभी राइट से होके जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये सीन मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन बहुत लंबा हो जाता नहीं तो वीडियो, वैसे भी बहुत लंबा वीडियो होने ही वाला है, ऑलरेडी 8 मिनट का ये वीडियो है। ये रही मेरी दीदियाँ बैठी हुई है। तुम घुमा रहे हो दिन से, तो पार्क में टहलते एक छोटी सी मुलाकात हुई, उसका बर्थडे है आज, तो मैंने विश कर दिया हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। बहुत दिनों के बाद फिर से पार्क में आया हूँ, लास्ट टाइम शायद 2018-19 में आया था, और उस समय इसी बेंच पे बैठा था, बेंच अब भी है यहाँ पे, बहुत चेंज हो गया, लेकिन वो पहले वाला बेंच और जो मेरे मेमोरीज, बहुत सारे यहाँ पे मेमोरीज है, वो भी यहीं पे है इसी बेंच पे। तो होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, देख रहे हैं अभी तक, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे, मतलब फरवरी लास्ट तक 1K सब्सक्राइबर करना है, मेरे लिए एक चैलेंज टाइप का है, तो होप आप मुझे हेल्प करेंगे इसमें, और कुछ सजेशन से हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, पीस। तो गाइस अभी टाइम है 3:30,
मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा अंधेरा होने के लिए, क्योंकि मतलब जब लाइट जलेगा तब बहुत ही सुंदर दिखेगा ये पार्क, और भी इसका जो खूबसूरती है वो निखर जाएगा। सो इसके लिए वेट कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3:30 हुआ है, 4 बजे 4:30 तक अंधेरा हो जाएगा, तो बने रहे वीडियो पे। ओ तो ये जो बीच में आइलैंड देख रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं ब्रिज से, ब्रिज से जाने के बाद वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं लेकिन खड़े होकर फोटो वोटो खींच सकते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग मतलब पार्क के एंड पर आ गए हैं, लास्ट जो चीज़ आपको दिखाना है वही चीज़ एक ही बाकी है जो आप वीडियो के मतलब पहले जो फुटेज है वहाँ पे देख सकते हैं, एक लाल पीला नीला का एक गुंबद टाइप का इग्लू टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कहना पड़ेगा बहुत खूबसूरत हो गया है। जो हमारे यहाँ के MLA है बहुत ही काम अच्छा किया है उन्होंने। तो आप सब अभी लास्ट जो मतलब दिखाने लायक चीज़ है पार्क का वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो 3, 2, 1 ये रहा, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूस म्यूजिक बजता रहता है, तो आपको थोड़ा शायद सुनने में तकलीफ़ हो मेरी बातें। सो होप यू गाइस एंजॉय माई वीडियो एंड प्लीज़ गिव दिस थम्स अप। प्लीज़ अगर आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो को तभी ये दूसरे लोगों तक पहुँचेगा और मेरे चैनल ग्रो करेगा, ठीक है? हाँ, और एक बात, अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाके बोटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप वहाँ पे। और पार्क का जो एंट्री फ़ी है वो 20 रुपीज़ है, वर्थ इट, मैं कहूँगा वर्थ इट है। नहीं तो बहुत सी ऐसी जगह भी है वहाँ पे 50 रुपये 30 रुपये लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता अंदर, तो 20 रुपये के हिसाब से आपको पूरा दिन रह सकते हैं वहाँ पे। बहुत ही सुंदर है प्लेस, आपका मतलब पैसा वसूल है वहाँ पे, ठीक है? तो गाइस होप आप सबको इस मतलब वीडियो में मज़ा आया, और नाइट का व्यू इस जगह का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप लोग बिल्कुल आइए यहाँ पे और आपका जो हैप्पी मोमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है? तो सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पीस। तो अभी गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब जाने वाला था लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर और रुकूंगा, 10-5 मिनट उसके बाद जाऊंगा, ठीक है? आई डोंट नो मैं कितना मतलब वीडियो में आपको दिखा पाया प्लेस कैसा क्या है, लेकिन जो भी है मुझे बहुत मज़ा आया सच में, बहुत चेंजेस है पहले से। अगर आप जाना चाहते हैं पार्क में, तो ऑलमोस्ट मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला है, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है गाइस? और जो पहले आपने घुसने होते देखा था जो यू टाइप का एक सिंबल था वहाँ पे जाऊँगा, हो सके तो खुद का एक सेल्फी लूँगा और वही थंबनेल रखूँगा, ठीक है? लिव योर लाइफ गाइस, लिव योर लाइफ, एक ही बार ज़िंदगी मिलते हैं, लोग गलत कहते हैं, एक बार नहीं ज़िंदगी रोज़ मिलती है, मौत एक बार मिलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।